अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आए हैं वो है जी किस ब्यूटी कंपनी का एलोवेरा सीरम ऑयल। ठीक है जी, इसके दो तीन तरह के ऑयल्स मार्केट में आए हुए हैं। किस ब्यूटी कंपनी बेसिक चाइना बेस्ड कंपनी है, लेकिन मैंने आपको बताया था इनकी कुछ प्रोडक्ट्स जो अच्छी हैं अभी फिलहाल मैं उनके बारे में रिव्यू दे रही हूँ। जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी। इसका मैंने हाइलोरोनिक सीरम यूज़ किया है, सीरम ऑयल सॉरी वो यूज़ किया है, और एक एलोवेरा। दोनों के रिजल्ट आउट क्लास हैं, विंटर सीजन के लिए बेस्ट हैं। अगर आपने आपकी स्किन बहुत ढलकी हुई हो रही है और बहुत ज़्यादा अनइवन स्किन हो रही है और रेस्टलेस हुई हुई है, तो आप इसका मसाज करें, और मसाज करने के बाद आप जो है उसको वॉश कर लें। फेस को किसी अच्छे क्लिंजर के साथ, किसी फेस वॉश के साथ, तो बहुत अच्छा आपके चेहरे पे ग्लो आता है। खैर, अगर आप उसको ऑयल को करना चाहते हैं वॉश तो कर लीजिए, अगर नहीं करना चाहते तो एज अ मॉइस्चराइजर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है सेंसिटिव स्किन के लिए, क्योंकि एलोवेरा है। एलोवेरा आपको पता है कि सूट करता है। इस तरह से ये राउंड शेप में इसकी बॉटल्स है, कार्डबोर्ड का ये बॉक्स बना हुआ है, और उसमें इस तरह के छोटे से सीरम है। ठीक है, इस तरह के छोटू सीरम्स हैं, और ये एक सीरम आपका चल जाता है। अगर आप यूज़ करें तो दो तीन दफ़ा तो इजीली ये सीरम जो है ये चल जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने तो पूरा बॉक्स लिया है, क्योंकि मुझे ये चाहिए होते हैं। मैं अपने लिए, अपने घर के यूज़ के लिए, फैमिली के यूज़ के लिए, तो ये बहुत बहुत अच्छे रहते हैं हाइड्रेट के। आप फुट्स पे लगा सकते हैं, आप लोग हैंड्स पे लगा सकते हैं, एज अ हैंड क्रीम भी ये यूज़ होते हैं, अपने फेस पे मसाज करने के लिए भी यूज़ होते हैं। स्किन बहुत अच्छी हाइड्रेट होती है, और स्किन की रफनेस ख़त्म होती है, और स्किन सूथ होती है। सेंसिटिव स्किन के लिए ये एलोवेरा सीरम बहुत ज़बरदस्त है। यूज़ इसका क्या है कि इसका एक हम लोग इस तरह से ये ओपन करेंगे। ठीक है, सील, ठीक है, ये सील मैंने ओपन कर दी। यहाँ से इसको लेंगे, दो या तीन ड्रॉप्स हार्डली हम लोग लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, ये ग्रीन से कलर का ये ऑयल है। इस तरह से लेके अपनी स्किन पे अच्छे तरीके से मसाज करना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे मसाज करते जाएंगे आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी जो है सॉफ्ट होती जाएगी। ये देखिए जी, और बहुत ज़्यादा ग्रीसी भी नहीं है। लगाने के बाद ये इजीली आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मसाज करें तो आपकी स्किन पे ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। और आप यकीन कीजिए, आप ये देख लीजिए कि अभी ये ऑयल के साथ ग्लो आ रहा है। 2 से 3 मिनट में जब मसाज में करूँगी तो ये ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए जी, मैंने कहा था ये ऑयल बिल्कुल स्किन में एब्जॉर्ब हो गया, और आप सिर्फ इसका ग्लो चेक करें कि फेस पे कितना अच्छा ग्लो आ रहा है। ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत सूटेबल चीज़ है। एक्नी पिंपल वाले भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली लोगों की जो जिनकी एक्नी और पिंपल्स होते हैं उनकी ड्राई स्किन भी होती है, उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। जस्ट मसाज के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्किन की हाइड्रेशन के लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। मुझे तो ये पर्सनली बहुत पसंद है अपने अपने यूज़ के लिए, और आप लोग भी ये ऑर्डर कर सकते हैं। एलोवेरा का सीरम ऑयल है, ठीक है, बेसिक मसाज के लिए तो बहुत बेस्ट रहता है। मसाज के बाद आप इसको अगर ऐसे रहना चाहते हैं ऐसे रहने दें, नहीं तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से साफ करना चाहते हैं किसी भी वाइप से, आप इसको वाइप आउट कर दें तो आपकी स्किन बहुत देर हाइड्रेट रहेगी। उसके बाद कोई लाइट सा मॉइस्चराइजर लगा लें। ठीक है जी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है सीरम ऑयल के बारे में, तो आपने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो को शेयर करना है, और सारी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें, ताकि आपके कोई स्टेप भी जो है वो मिस ना हो। ठीक है जी, फ़र्क देख लीजिए इसकी शाइनिंग में और इसकी शाइनिंग में। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।